इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में एम वन मूविंग विद यू वन, एम टू मूविंग विद यू टू, आफ्टर कोलिजन एम वन मूविंग विद वी वन एंड एम टू मूविंग विद वी टू। ठीक, ये केस है। कोई फॉर्मूला नहीं है इन इलास्टिक में, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जो काम आती है। पहली, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो हर जगह लग ही सकती है। तो पहली क्वेश्चन ये रही, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरी, ऐसे क्वेश्चन में रेस्टिट्यूशन गिवन होता है, तो वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, इन्हें सॉल्व करके वी वन वी टू कैन बी कैलकुलेटेड। यही टेक्निक है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसका, बस दो इक्वेशन लगाओ और वी वन वी टू खुद निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, एक बॉल है, मान लो 5 kg की बॉल है मूविंग विथ 5 m/s, एक और बॉल है 2 kg की बॉल है मूविंग विथ 2 m/s। आफ्टर कोलिजन 5 kg की वेलोसिटी हो गई वी वन एंड 2 kg की वेलोसिटी कितनी हो गई वी टू, और गिवन है रेस्टिट्यूशन हाफ, फाइंड वी वन एंड वी टू। तो पहला कॉन्सेप्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन से पहले मोमेंटम ये होगा, ये लो ये होगा, और दूसरा रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा लेना। तो रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में ई हाफ है वी टू माइनस वी वन, यू वन मतलब 5 - 2, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके वी वन वी टू निकाल लेना, कोई शॉर्टकट नहीं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा।